जैसे कि हम सबको पता है कि बजट फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपना बजट 7 जून को पेश करने जा रही है, तो ये बजट जो है बाकी पूरे मुल्क के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन अगर बात करें हम सैलरीड पर्सन की, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए बजट जो है वो इंतहाई अहम होता है। जैसे कि आपने देख लिया कि इस दफ़ा तारीख में पहली दफ़ा वफाक से पहले ही KPK ने अपना बजट पेश कर दिया और जो गवर्नमेंट मुलाजमीन थे उनके लिए एक बड़ी बुरी खबर है कि उसने सिर्फ 10% इंक्रीज़ दिया है सैलरीज़ के अंदर, जबकि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अभी देखते हैं कि कितने परसेंट तक जो है एम्प्लॉयज़ की सैलरी को इंक्रीज़ करती है। खबरें बहुत सारी चल रही हैं, पहले खबरें चल रही थी कि 30 से 35% तक इंक्रीज़ होगा, अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ हैं आज की ही खबर है, ऑब्ज़र्वर पाकिस्तान, ऑब्ज़र्वर एक प्लेटफॉर्म है न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह के लिए, तो उसने अपनी रिपोर्ट में जो है वो सैलरी का इंक्रीज़ सिर्फ 15% बता रहे हैं कि फेडरल एम्प्लॉयज़ जितने भी होंगे उनकी सैलरी में 15% तक इंक्रीज़ किया जाएगा और पेंशन के अंदर तकरीबन 10% इंक्रीज़ किया जाएगा। दोस्तों हम जैसे कि आप सब जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा ने 10% इंक्रीज़ किया है। अब ये डिपेंड करता है कि रहमान अली बाजवा ने जो ऐलान किया है 29 मई का कि 29 मई को सारे सूबाई मुलाजमीन अपने अपने ज़िले में और एक बड़ा एहतजाज अपने अपने सूबे के कैपिटल के अंदर करने जा रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि एहतजाज में कितने एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इकट्ठे होते हैं। जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, जैसा कि रहमान अली बाजवा ने भी कहा था कि जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आप शो करेंगे उतने ही चांसेस हैं निगोसिएशन के, कि गवर्नमेंट से निगोसिएशन हमारी टीम जो है कर सके ताकि सैलरीज़ में इंक्रीज़ जो है वो कम से कम 50% तो हो महंगाई के हिसाब से। उसके अलावा जो हमारा हाउस रेंट है, कन्वेंस अलाउंस है और मेडिकल अलाउंस है, ये भी तकरीबन 2008 और 2014 पे फिक्स है, अभी तक इसको अपडेट नहीं किया गया। मौजूदा महंगाई के हिसाब से हर चीज़ क्योंकि बढ़ गई है, तो हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस भी रहमान अली बाजवा ने कह रहे हैं कि 200% गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों ये है कि हमें सबको निकलना होगा 29 मई को और बजट वाले दिन, यानी बजट से एक दिन पहले और बजट वाले दिन भी हमें पार्लियामेंट हाउस के बाहर बैठना पड़ेगा, एहतजाज रिकॉर्ड कराना पड़ेगा, तब जाके हमारी सैलरीज में कोई रीज़नेबल इंक्रीज़ होगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों।